सोनकच के पास टोंक खुर्द में बिजली विभाग की लापरवाही से एक बच्ची को अपनी जान से हाथ धोने पड़े। करंट लगने से मौके पर ही मृत्यु हो गई। मृतिका प्रीति कक्षा एक की छात्रा थी। टोंक खुर्द नगर के वार्ड क्रमांक 5 में बिजली के खंभे में करंट आने से एक 7 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। मृतिका प्रीति पिता रमेश पवार कक्षा एक की छात्रा थी। जिस स्थान पर हादसा हुआ वहाँ बिजली के खंभे कुछ दिनों पहले ही लगाए गए थे और इस पर केबल लगाकर कुछ दिन पहले ही विद्युत प्रवाहित किया गया था। बच्ची की मौत पर गुस्साए ग्रामीणों ने पहले तो पुलिस थाना घेरा किया, फिर विद्युत कंपनी के कार्यालय पर गए। वहां पर कोई जिम्मेदार नहीं मिलने पर ग्रामीण फिर से थाने पर पहुंचे और थाने का घेराव किया। ग्रामीण जन ठेकेदार को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे थे। सोनकच से दीपक ज्वाला की रिपोर्ट। घटना घटी है, इस बारे में आप क्या कहेंगे उमेश जी? आज के लिए घटना है, बड़ी दुखद घटना है। पिछले 6 महीने से हम देख रहे हैं कि नगर में जिस प्रकार से नवनीत बढ़त है, कहीं ना कहीं इसमें जो लापरवाही सामने आ रही है वो निश्चित ही विद्युत मंडल और संबंधित ठेकेदारों को कटघरे में खड़ा करती है। ये घटना घटने के बाद में आप क्या चाहते हैं? इसके बाद में ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई अभी तक? हाँ, जो जिसने भी ये अनियमितता जिसमें भी दायरे में आती है, जिसने अनियमितता की उसके खिलाफ निश्चित ही अच्छे दंडात्मक कार्रवाई होना चाहिए, इसीलिए हम सब यहाँ आए। आज जिस खंभे से घटना हुई इसमें तो मात्र करंट लगा है, करंट उतरा है, जो भी टेक्निकल गलतियां विभाग की जिसकी भी लापरवाही हो, मगर नगर में यदि देखा जाए तो जो नए पोल लोहे के लगे हुए हैं वो बहुत ही गुणवत्ताहीन और अकुशल श्रमिकों द्वारा ऐसे लगवाए गए हैं कि ना तो उनमें नीचे भराव किया गया है, है ना, खंभे टेढ़े हो रहे हैं, इस ओर किसी का ध्यान नहीं गया। लगभग 1 वर्ष से कार्य चल रहा है, जो जवाबदार हैं आज पदों पर बैठे हैं, जिनकी जवाबदारियां बनती हैं, इसके अलावा जो पदों पर नहीं है मगर जो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि माने जाते हैं, उन्होंने इस चीज को अनदेखा किया, इसके बारे में आप क्या? निश्चित ही जो